हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वसाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बेहतरीन पहलू है कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत कायनात के जर्रा जर्रा पर है। अल्लाह ने अपने लिए रब्बुल आलमीन का लफ्ज बोला कुरान पाक के आगाज में, और नबी का जब मकाम और मनसब बताया तो ये बताया कि मेरा नबी पूरे आलमीन के लिए, आलम के लिए नहीं, आलमीन के लिए रहमत है। ये एजाज सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि आप अर्श माला से लेकर तख्ते सरैया तक जितने भी मखलूकात हैं, जितने भी जहान हैं, उन जहानों के लिए रहमत हैं, और ये रहमत कयामत तक जारी और सारी है। आज नबी अलैहिस्सलाम की रहमत को हम देखें कि आपकी रहमत का आगाज कब से हुआ। एक सहाबी पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला ने खुद फरमाते हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आपको नबूवत कब मिली, तो आपने फरमाया कुंतु नबिया आदम बैन रूह वल जसद, मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम जिस्म और रूह के दरमियान के मराहिल से गुजर रहे थे। अभी आप में रूह नहीं फूंकी गई थी, अल्लाह ने मुझे नबूवत से सरफराज कर दिया था। अब हजूर अलैहिस्सलाम की रहमतों का कोई अहाता नहीं है। कायनात के जर्रे जर्रे पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें हैं। और आप देखिए, आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक इज्तमा किया जिसका कुरान पाक में जिक्र है, मिसाक का। एक मिसाक नबूवत है, एक अल्लाह ताला ने नबियों से वादा लिया, एक वो जलसा है और एक जलसा नबियों के अलावा अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा किया, चाहे वो अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहें हों, चाहे वो सहाबा इकराम या दीगर अंबिया के मुसाहिबीन की रूहें हों, चाहे वो बड़े बड़े अल्लाह के वली मुक्तदा पेशवा मुहद्दिसीन कुतब अब्दाल गौस, उन सब की रूहें हों, या आम उम्मत के मुसलमान या दुनिया पूरी के कुफार, हर मजहब मसलक वाले, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मजूसी है, कम्युनिस्ट है, दहरिया यहूदी है, नसरानी है, बुद्धिस्ट है, दुनिया में बसने वाला खाली आज के दौर का बशर नहीं, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत की सुबह तक आने वाले तमाम मर्द, तमाम औरतें, तमाम शकी, तमाम सईद, तमाम मोमिन, तमाम काफिर, तमाम दीनदार, तमाम बेदीन, दुनिया के हर खित्ते का बंदा, किसी भी जजीरे कंट्री का रहने वाला हो, अल्लाह ने सबको एक मैदान में जमा किया। अल्लाह ने ना आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक की, अल्लाह ने ना आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से जमीन पर भेजा, अल्लाह ने ना किसी नबी को अभी मबऊस किया, अभी तक कोई नबी बना नहीं, अभी तक इंसानियत का आगाज नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह ने इज्तिमा कर दिया, अल्लाह ने सबको जमा कर दिया। सारों को जमा करके अल्लाह ने एक सवाल पूछा, वइज़ अखज़ रब्बुका मिन बनी आदम, अल्लाह ताला ने बनी आदम को जमा किया, बनी आदम का हर फर्द जमा था, चाहे वो आदम के जमाने का था या कयामत के सूर फूंकने के वक़्त जिंदा था, इन तमाम बीच के जमानों का बंदा, लाखों साल बीत गए, लाखों साल गुजर गए, कितने 7 अरब तो आज है दुनिया में, फिर पहले कितने गुजरे, बाद में कितने आएंगे, खरबों इंसानों को जमा किया, अल्लाह ने जमा करके फरमाया
अलस्तु बि रब्बिकुम, बताओ दुनिया में जाओगे, जिंदगी गुजारोगे, तुम्हें हयात मिलेगी, तुम्हें कोई ना कोई मशगला मिलेगा, तुम दुनिया में अपनी जिंदगी किस तरह गुजारोगे, अपनी मर्जी करोगे या किसी को हाजत रवा मानोगे, या किसी को अपना रब मानोगे, या किसी को सजदा करोगे। बताओ इंसानों, ऐ औरतों, ऐ मर्दों, अलस्तु बिरब्बिकुम, किसको अपना रब मानकर उसके आगे झुकोगे, किसके आगे हाथ फैलाओगे, किसको हाजत रवा कहोगे, किसको मुश्किल कुशा कहोगे, किसको अपना दाता कहोगे, किसके आगे अपनी जबी को झुकाओगे, किसके आगे रुकू और सजदा करोगे, किसको मुश्किल कुशा कहोगे। जब अल्लाह ने सवाल पूछा, कुरान पाक कहता है अल्लाह ने सबको जमा करके एक जुमला कहा, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या रब मानोगे किसको, बताओ। अल्लाह के तमाम इंसान वहां जमा थे। मुफस्सरीन लिखते हैं, अलामा रूहुल मुआनी लिखते हैं, अलामा अलूसी रहमतुल्लाह अलैह, जब अल्लाह ने सवाल किया, सारी रूहों पे सुकून छा गया, खामोशी छा गई। साल बीत गए, कई साल बीत गए, अल्लाह ने जलाल से पूछा, अल्लाह ने बड़े जलाली अंदाज में पूछा, रब्बुल आलमीन खुद पूछ रहा है, रब्बुल आलमीन अपने हैबत के साथ, अपनी शान के साथ पूछता है, और ये कौन थे। आप उठाएं तंबीहुल गाफिलीन, उठाएं नुस्खा कीमिया इमाम गजाली की, कि अल्लाह ने जब इन सारी रूहों को जमा किया, ये छोटे छोटे जर्रे थे, आदम अलैहिस्सलाम की पुश से निकले थे, सारे फैल गए थे, सारे यूं जमीन भरी हुई थी इनसे। अल्लाह ने पूछा, बताओ किसको सजदा करोगे, किसको हाजत रवा कहोगे, किसको मुश्किल में पुकारोगे, किसके आगे झुकोगे। सारे खामोश, कौन जवाब दे, हर दूसरे को देखता है कि मैं गलत ना बोल जाऊं, मेरे से कोई बेअदबी ना हो जाए, अल्लाह गजब में ना आ जाए, अल्लाह जलाल में ना आ जाए, अल्लाह नाराज ना हो जाए। सारे इंसानों ने सारे कायनात के वलियों को देखा, पहले सारे रूहें जो काफिर थी उन्होंने मोमिनीन रूहों को देखा, मोमिनीन रूहों की तरफ जब सारों की नजर उठी तो ये सारे मुसलमान वक्त के अवलिया, उलमा, मशायख, मुहद्दिसीन, जिनके अंदर ये खासियत थी, इन्होंने उनकी तरफ देखा, उन सारों ने सारे सहाबा की तरफ देखना शुरू कर दिया। सहाबा ने आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, आदम अलैहिस्सलाम की तरफ सारी नजरें उठ गई कि जवाब हमारे वालिद देंगे, हमारे बाप देंगे आदम। अल्लाह ने कहा जो था, वह इन अखज रब्बुका मिन बनी आदम, ए बनी आदम, ए बनी आदम, ए आदम के बच्चों, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, बताओ तो सही, हाजत रवा कौन होगा तुम्हारा, मुश्किल कुशा कौन होगा तुम्हारा। सारे लोगों की नजरें आदम अलैहिस्सलाम की तरफ उठ गई, हर नबी देख रहा था आदम अलैहिस्सलाम को, हर नबी देख रहा था आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे को, हर नबी देख रहा था आदम अलैहिस्सलाम के जवाब को, कि ये जवाब देंगे, हम सारे के सारे उस जवाब पर अमल करेंगे। लेकिन उस वक़्त आदम भी खामोश थे, नू भी खामोश थे, शीस भी खामोश थे, इब्राहिम भी खामोश थे, इस्माइल भी खामोश थे, इसहाक भी खामोश थे, याकूब भी खामोश थे, यूसुफ भी खामोश थे, मूसा भी खामोश थे, ईसा अलैहिस्सलाम भी खामोश थे। सारे नबियों ने सरकार मदीना को देखना शुरू कर दिया, सारे नबियों की निगाहें उठती हैं ताजदार मदीना की तरफ, मक्की और मदनी की तरफ। हमारे नबी ने सबसे पहले जवाब दिया, हमारे नबी ने सबसे पहले कहा, अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे, हम सारे के सारे तुझे हाजत रवा समझेंगे, तुझे मुश्किल कुशा समझेंगे, तुझे अपना खुदा मानेंगे,
तुझे अपना जो है माबूद मानेंगे, तेरे अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। सवाल अल्लाह ने किया, सवाल अल्लाह ने पूछा। आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, सारे अंबिया भी मौजूद हैं, लेकिन जवाब कोई नबी नहीं दे रहा। सारे नबी हजूर अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा, अल्लाह हम दुनिया में जाकर तुझे रब मानेंगे, सारे नबियों ने कहा कालू बला। सारे इंसान फिर बोले बेशक यही बात हम भी कहेंगे, यही कहते हैं कि तेरे अलावा जमीन पर कोई हाजत रवा नहीं होगा, कोई रब नहीं होगा। ये पहली रहमत थी, ये पहला एहसान था जो हजूर अलैहिस्सलाम का तमाम नबियों और इंसानों पर हुआ। ये जवाब किसने दिया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और ये रहमत जो अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरे नबी हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। अब फिर एहसान, फिर रहमत, ये रहमत के दरवाजे खुले हैं, जारी हैं। और ये हमारे बाप आदम पर नहीं, सारे नबियों पर आलमे अरवाह में हजूर का एहसान और रहमत जो हमने देखी। फिर मदारिज नबुवा, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दस देलवी अपनी मायानाज किताब में लिखते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से जाने लगे, आपने इंतकाल के वक़्त, विसाल के वक़्त अपने बच्चों को बुलाया और अपने बच्चों को बुलाकर कहा, बेटा मैं अपने बड़े बेटे शीस को तुम्हारा रहनुमा बना रहा हूँ। बड़ी आबादी बढ़ चुकी थी, आबादी ज़्यादा हो चुकी थी। आपने फरमाया शीस मेरे बाद जानशीन होंगे, तुम्हारे मुक्तदा होंगे, और अल्लाह ने इनको नबूवत अता फरमाई है। पहला नबी शीस है आदम अलैहिस्सलाम के बाद, और शीस आपके बड़े बेटे हैं। आपने अपना जानशीन उनको बनाया और अपने बेटे को कहा तुम बैठ जाओ, बाकी चले जाओ। जब बाकी चले गए, आपने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को बिठा कर कहा, बेटा मैं तुम्हें एक वसीयत करता हूं, जब भी मुश्किल आ जाए, जब भी परेशानी आ जाए, जब भी तुम देखो कि तुम बंवर में फंस चुके हो, तकलीफ में, आजमाइशों में उलझ चुके हो, अब कोई रास्ता निकलने का मिलता नहीं, तो तुम एक बात करना कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वसीले से दुआ करना। शीस अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान ये मोहम्मद कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा ये इतने अजीम हैं कि मैं जब जन्नत से निकाला गया, 40 साल गिरियाजारी की, अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल किया, मैंने इनका वसीला पेश किया था, मैंने अर्श पे लिखा हुआ देखा था, जन्नत के पत्तों पे लिखा हुआ देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुझे पता चल गया कि ये कोई बहुत अजीम है, अल्लाह ने अपने नाम के साथ इसका नाम लिखा है। तो मैंने अल्लाह से कहा 40 साल बीतने के बाद, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने कहा तूने वो कलमा पढ़ा है जिसके बाद तो परेशानी रहती ही नहीं। ए आदम तुझे इसकी आगाही कहां से हुई? आपको ये किसने बताया कि ये कलमा पढ़ के परेशानियां दूर हो जाती हैं, गम दूर हो जाते हैं? ये तुझे ला इलाहा के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह किसने बताया? आदम सफीउल्लाह तो था उस जमाने का, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह जब मैं जन्नत में फिरता था, दरख्तों पे यूं लिखा हुआ देखता था, जब मैं हूरों की पेशानियों को देखता था,
उस पे यूं लिखा हुआ देखता था, जब मैं सिदरतुल मुंतहा के दरख्त को देखता था उसकी टहनियों पे ये लिखा हुआ था, जब मैंने अर्श को देखा अर्श पे ये लिखा हुआ था, मुझे यकीन हो गया ये कलमा पढ़ने वाला महरूम नहीं रहता। मैंने इसीलिए ये कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम ये मोहम्मद तेरी औलाद में से होंगे लेकिन अफजल इतने हैं, अगर इनको पैदा ना करना होता तो मैं ज़मीन को बनाता ही ना। और इतना अजीम कलमा आपके पास है मेरे पास है, परेशान है हम कलमा पढ़ के दुआ करने की सकत नहीं है। वजीफा कलमा पढ़ लें 100 बार। आदम अलैहिस्सलाम ने जो पढ़ा मदारिज नबुवा, शाह अब्दुल हक लिखते हैं ये कलमा जो बंदा 100 बार पढ़ के दुआ करेगा उसकी कोई तकलीफ तकलीफ नहीं रहेगी। लेकिन पढ़े तो सही कोई। अब ये एहसान आदम अलैहिस्सलाम और हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम पर है सरकार दो आलम का। अब ये एहसानात आगे चल रहे हैं, रहमत हमारे नबी हैं कायनात पूरी के लिए। अल्लाह ने हमारे नबी का नूरे नबूवत हजरत शीस अलैहिस्सलाम की कमर में रखा और आपसे ये मुंतकिल होता रहा और ये आगे बढ़ता रहा और ये एहसान चलता रहा और रहमत नबी बनते रहे। क्योंकि कुरान ने साफ कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन कि मैंने हजूर अलैहिस्सलाम को इस कायनात के लिए जर्रे जर्रे के लिए आलमीन के लिए रहमत बनाया है। एक आलम के लिए नहीं, एक जहान के लिए नहीं, दो जहानों के लिए नहीं, बल्कि फरमाया आलमीन ये जमा है। जैसे रब्बुल आलमीन है हजूर रहमतुल लिल आलमीन है, हजूर एक जहान के लिए नहीं बल्कि जहानों के लिए है। अल्लाह रब एक जहान के लिए नहीं बल्कि जहानों के लिए है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत पेश करते हैं मैंने पूछा या रसूल अल्लाह कितने जहान हैं दुनिया में अर्श से लेकर तख्ते सरा तक। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू सईद 40,000 जहान है, ये दुनिया एक जहान है, आलम दुनिया एक जहान है, जमीन के नीचे एक जहान है, आसमान के ऊपर जहान ही जहान है। इन सारे जहानों का इन तमाम आलमीन का रब अल्लाह है तो रहमत रसूलुल्लाह है। अब ये दो सिफात हैं जो हमारे नबी को अल्लाह ने अता की। अब हजूर अलैहिस्सलाम को ना बनाना होता तो अल्लाह कहते हैं मैं जमीन को भी ना बनाता, आसमान को भी ना बनाता। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात में पढ़ते हैं हजूर की रहमत के खजाने को, हजूर की शान को, तो वो तौरात उठाकर कोई तूर पे चले जाते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होकर दरख्वास्त करते हैं अल्लाह ये देखिए ना आपने इस नबी की शान बयान की है कि ये शान होगी ये शान होगी ये शान होगी, या अल्लाह मैं मूसा तुझसे दुआ करता हूँ कि जो इनकी शान आपने बयान की है मुझ मूसा को उनकी उम्मत में पैदा कर दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा आपको नबी बनी इसराइल बनाया है, उस नबी की उम्मत मैंने छांटी हुई है, आप जितने मुसलमान हैं खुद मुसलमान एक भी नहीं बना। अल्लाह ने छांटा है कि किसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाना है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया हुवा जताबाकुम मैंने तुम्हें छांटा है, छन्नी लगाई है, कौन इधर आ सकता है सलाहियत रखता है कौन नहीं सलाहियत रखता। हर बंदा हजूर का उम्मती नहीं बन सकता, बनने के लिए सलाहियतें वो चाहिए जो अल्लाह चाहता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, इब्राहिम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बेटे शीस को कहा बेटा तू नबी की बात करता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी उम्मत इतनी शान वाली है कि तू हैरान होगा अल्लाह ने वो मकाम उनको दिया है जो कायनात में किसी को नहीं दिया। शीस कहने लगे अब्बा जान वो कौन सा मकाम है वो कौन सी शान है उस उम्मत की। फरमाया देख तेरे वालिद आदम ने तेरे बाप आदम ने एक छोटी सी खता की, अल्लाह ने लिबास छीन लिया, अल्लाह ने घर छीन लिया जन्नत का,
अल्लाह ने नेमत को छीन लिया, अल्लाह ने तशहीर कर दी, लोगों तक पहुंचा दिया, अल्लाह ने बीवी से जुदा कर दिया, अल्लाह ने नीचे ज़मीन पर उसे भेज दिया, अल्लाह ने हर जगह कुरान में उसका जिक्र कर दिया कि देखो तुम्हारे बाप आदम ने खता की, ऐ शीज़ तुझे पता है कि मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि वो मोहम्मद इतनी शान वाले हैं कि उनकी उम्मत भी इतनी शान वाली है कि उनकी उम्मत गुनाह करेगी, अल्लाह ताला उनसे लिबास नहीं छीनेगा, वो उम्मत गुनाह करेगी, अल्लाह उसकी बेपर्दगी नहीं करेगा, वो गुनाह करेंगे घर के अंदर किसी को पता नहीं चलेगा, वो गुनाह करेंगे ख़ानदान मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलेगा, अल्लाह उनका लिबास नहीं छीनेगा, अल्लाह उनका घर नहीं छीनेगा, अल्लाह उन्हें रांधे दरगाह करके लोगों में रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह उनका पर्दा रखेगा। ऐसी उम्मत है रात गुनाह करेगी, सुबह एक बार कहेगी अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। ये शान इस उम्मत की है और किसी की नहीं। 70 साल का गुनाहगार भी सिर्फ एक बार कहेगा अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह फरमाते हैं मैं 70 साल के गुनाह माफ कर दूंगा। किसी उम्मत को यह नहीं था। शिर्क कितना बड़ा गुनाह है, कौमे मूसा ने किया, अल्लाह ने कहा नहीं, इन 70,000 बंदों को कत्ल करो, तलवारें दो, ये एक दूसरे को खुद मारें, तोबा यही है और कोई तरीका नहीं तोबा का, उनको कहा। और हमें क्या कहा, सारी कायनात के गुनाह कर लो, बस एक बार कहो अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ खाली नहीं करेगा बल्कि नेकियों में तब्दील कर देगा। अब ये रहमत है या नहीं, हजूर की रहमत है या नहीं? ईसा अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनकी दुआ कबूल हो गई, जिनको हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में उनको दाखिल कर लिया, और आपने अपने हवारीहीन को, अपने नसारा को आखिरी खिताब में फरमाया कि देखो अब उसके आने का वक्त है जो आकर इस मिशन को तकमील तक पहुंचाएगा, जो मिशन सारे नबी अधूरा छोड़ कर गए, और वो मिशन रिसालत है, और हर नबी ने हजूर अलैहिस्सलाम की आकर जो है वो बिशारत दी। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, उठा लिए गए, अब आएंगे और हजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत में दाखिल होंगे। आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल की कि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मुझे उस नबी की उम्मत में दाखिल कर दे। अब रहमत हमारे नबी की आगे है। एक ऊंट आया, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-बदाया के अंदर लिखते हैं कि एक सहाबी आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट सरकश हो चुका है, बागी हो चुका है, और वो टकरे मार रहा है, और ऊंट जब सरकश हो जाता है तो वो मजनून होकर लोगों को मार देता है। कहा या रसूल अल्लाह उसका कोई हल करें। आपने कहा चलो मेरे साथ। हजूर अलैहिस्सलाम साथ चले और एक बहुत बड़ी जगह थी चार दीवारी वाली। हजूर अलैहिस्सलाम दरवाज़ा का खोलो, सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह अंदर पागल ऊंट है और वो पागल है इस वक्त, आप अंदर तशरीफ ना ले जाएं, वो आपको तकलीफ देगा, अजियत देगा। हमारे आका ने फरमाया जाने दो, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोला, हजूर अंदर चले गए। अंदर जाकर हजूर अलैहिस्सलाम जो है जैसे ही कदम रखते हैं उस चार दीवारी के अंदर, ऊंट दूर खड़ा था, दीवार को टकरे मार रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हजूर को देखा तो वो तेज़ी से दौड़ा हजूर की तरफ। वो सहाबी डर गए कि अब आकर हजूर को तकलीफ़ देगा, कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सहाबी डरे हुए थे लेकिन ऊंट स्पीड में आया, तेज़ी में आया, और आते साथ ही हजूर के कदमों में बैठ गया। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं ऊंट आके ऐसे स्पीड में आया था कि आके टक्कर मारेगा, लेकिन वो जितनी स्पीड में आया उतना ही आके हजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में बैठ गया। हजूर ने उसकी गर्दन पे हाथ फेरा प्यार से, तो ऊंट ने जो है आसमान की तरफ अपना मुंह कर लिया और मुंह खोल कर जो है कुछ हिनहिनाने लगा। हजूर अलैहिस्सलाम ने जो है सहाबी से कहा तुझे पता है ये क्या कह रहा है? या रसूलल्लाह मुझे तो नहीं पता। कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की जबान आती थी,
हमारे नबी को सारे मौजज़े मिले जो सारे नबियों के पास थे। ये जामेउल मौजज़ात हैं, सारे नबियों के कमालात हमारे नबी में हैं। हजूर ने फरमाया सहाबी ये तेरी शिकायत कर रहा है कि तू काम ज्यादा लेता है, खाना थोड़ा खिलाता है इसको। ये एहतजाज कर रहा था, ये गुस्से में था कि खाली पेट तू इससे काम कराता रहता है। सहाबी से कहा आइंदा इसको खाना ज्यादा खिलाना, मुशक्कत कम लेना। जब हजूर ने ये जुमला कहा तो उस ऊंट की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो गर्दन ऐसे ऊंचे करके हजूर अलैहिस्सलाम का जैसे एहसान मंद हो, और वो आंख जब उसकी ऊंट के आंसू गिरे तो हजूर अलैहिस्सलाम ने उसको हाथ फेरा, उसने फिर मुंह ऊपर किया और हिनहिनाया। हमारे नबी ने फरमाया आमीन। फिर उसने मुंह ऊपर किया तो फरमाया आमीन। फिर जब तीसरी बार उसने मुंह ऊपर किया तो हमारे नबी खामोश हो गए। सहाबा पूछने लगे या रसूल अल्लाह ये खिलाफ तवक्को चीज है, ऊंट ने मुंह ऊपर किया, कुछ कहा? हमें नहीं पता क्या कहा। आपने आमीन कहा, फिर ऊंट ने मुंह ऊपर किया, कुछ कहा? आपने आमीन कहा। तीसरी बार जब ऊंट ने कुछ कहा आप खामोश हो गए और आपका चेहरा मुतगैर हो गया, गमजदा हो गया, परेशान हो गया। या रसूल अल्लाह ये क्या वाकया पेश आया? हमारे आका ने फरमाया जब मैंने ऊंट का साथ दिया, ऊंट की सिफारिश की, ऊंट के बारे में मैंने तुझे सख्ती से कहा इसका ख्याल रखना, ऊंट ने मेरा शुक्रिया अदा करते हुए फरमाया कि मैं आपको दुआ देता हूँ अल्लाह के रसूल, मैं जानवर हूँ लेकिन सिला फिर भी दे रहा है। इंसान इंसान की नेकी का सिला नहीं देता, जानवर कैसे सिला दे रहा है? फौरन कह रहा है या रसूलल्लाह मैं दुआ देता हूं। क्या दुआ दी उसने? उसने कहा अल्लाह ताला आपकी उम्मत को इज्तमाई तौर पर गर्क ना करे, तबाह ना करे, इज्तमाई तौर पे सारी उम्मत खत्म हो जाए, ऐसा ना हो। आपने फरमाया आमीन। जैसे कौम लूत इकट्ठी तबाह हुई, कौम समूद, कौम साले, कौम हूद, कौम मदियन, कौम सबा, सारी की सारी तबाह हुई। कहा या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत तबाह ना हो ऐसे कि एक अजाब आए और सारी उम्मत खत्म, सफ़े हस्ती से मिट जाए मुसलमान। हजूर ने फरमाया आमीन आमीन। फिर उसने कहा या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत पर जो है इज्तमाई कहत ना आए, गुर्बत ना आए, आपकी उम्मत जो है मुफलिसी गुर्बत में मर जाए, ऐसा ना हो। हजूर ने फरमाया आमीन और फिर फरमाया मैं दुआ करता हूं बनी इसराइल जैसे फिरकों में बट गई, आपकी उम्मत फिरकों में ना बटे। हजूर कहते हैं मैं खामोश हो गया कि मुझे जिब्राइल ने पहले बता दिया था कि मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे और मैंने आमीन नहीं कहा क्योंकि मुझे पता चल चुका था अल्लाह की मसलहत का, अल्लाह के फैसले का। तो आप देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात तो जानवरों पर भी हैं, परिंदों पर भी हैं, और एक एक कायनात के अंदर कोई भी मखलूक है। फिर आप आज हम गुनाह करते हैं हमारी शक्लें तब्दील नहीं होती, आज हम नाफरमानियां करते हैं अजाब इज्तमाई नहीं आता, आज हम अल्लाह रसूल से बगावत करते हैं हम पर अजाब नहीं आ रहा। आज आप देखिए कलमा पढ़ने वाला जो हजूर का नाम लेने वाला है सबसे ज्यादा दीन का मुखालिफ वही है, सबसे ज्यादा शरीयत का नाफरमान वही है, सबसे ज्यादा अल्लाह के हुक्म तोड़ने वाला वही है। आप देखिए कि किस तरह मुसलमान आज नमाज छोड़े हुए हैं, आज कुरान छोड़े हुए हैं, आज नबी की सुन्नत छोड़े हुए हैं, लेकिन ये कौम बनी इसराइल होती तो रात को जो गुनाह करता था सुबह उसके दरवाजे पे लिखा होता था ए महल्ले वालों देख लो कि ये बंदा ये गुनाह कर चुका है, अब इसकी सजा ये है। जो बंदा जरा सी गलती करता था जमाने में तशहीर हो जाती थी, जरा सा गुनाह करता था
पूरे शहर को पता चल जाता था, सदका करता था, जकात देता था, अल्लाह की तरफ कबूल ना होता तो पूरे मुल्क को पता चल जाता कि इसने माल पहाड़ पे रखा, आग नहीं आई, नहीं जलाया, इसका माल मर्दूद है, हराम का है, सूद का है, रिश्वत का है, गाने बजाने का है, गलत काम करके इसने पैसा बनाया है। लेकिन आज सदका भी हम करते हैं, जकात भी देते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, गुनाह भी करते हैं, शक्लें तब्दील नहीं हो रही, हम पे इज्तमाई अजाब नहीं आ रहा, क्यों? कि हमारे नबी की रहमत है, हमारे नबी की रहमत है। हजूर ने दुआ की थी, या अल्लाह मेरी उम्मत को इस तरह इज्तमाई। शाब्दुल अजीज मुहद्दस देलवी रहमतुल्लाह अलैह शाह वलीउल्लाह के बड़े बेटे हैं और दिल्ली की जामिया मस्जिद में जुम्मे का खुतबा देने आप हफ्ते में एक दिन जाते थे, बाकी नमाजें अपने हवेली की छोटी मस्जिद में पढ़ते थे। और जब आप जुम्मा पढ़ाने जाते तो आपके घर से लेके दिल्ली की जामिया मस्जिद तक दोनों साइड लोगों की कतार होती और लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े होते और आपको इस्तकबाल करते। और आपकी आदत थी, सैयद थे, आले रसूल थे, शाह वलीउल्लाह के बेटे थे और बरे सगीर के सबसे बड़े मुहद्दिस थे और अल्लाह ने मकाम व मनसब दिया था, लेकिन अपने चेहरे पे कपड़ा डालकर लोगों के बीच में से निकल जाते थे। लोग हाथ मिलाते मिलाते लोग फूल निछावर करते, सारा कुछ होता, लेकिन ना लोगों को देखते थे ना लोग उनका चेहरा देख पाते थे। एक दिन बड़े बड़े लोग इकट्ठे होकर आपके खादिम के पास आए, कहा हजरत से हमारी दरख्वास्त पेश करें, हम उनकी ज़ियारत के लिए आते हैं। वो वापस जाते हुए भी इसी तरह प्रोटोकॉल में जाते हैं, आते हुए भी प्रोटोकॉल में आते हैं, लोग खुद उनका इस्तकबाल करते हैं, खुद अलविदा करते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम हजूर की, हम शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दस देहलवी की ज़ियारत नहीं कर पाते, चेहरा अनवर नहीं देख पाते। आले रसूल हैं, सैयद ज़ादे हैं, मुहद्दिस वक़्त हैं, वली कामिल हैं, कुतुब अब्दाल कुतुबों अब्दाल में से हैं। हम चाहते ये हैं हजरत अपना चेहरा आया किया करें तो हम आपका चेहरे का दीदार करके रूहानी तस्कीन पाएं। जब आपके खुदामा ने कहा हजरत दिल्ली के लोग, दिल्ली के बड़े बड़े ताजिर, दिल्ली के बड़े बड़े दानिश्वर जमा होकर आए हैं, उनकी गुजारिश है कि शाह अब्दुल अजीज हमें ज़ियारत कराएं, इस तरह अपना चेहरा हटा कपड़ा हटाकर हमें दीदार कराया करें, शाह अब्दुल अजीज ने फरमाया कि देखो मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा करने में मेरे लिए भी फितना है, उनके लिए भी फितना है। फरमाया हजरत वहाँ ख्वातीन तो है नहीं, सारे मर्द हैं, फितना क्या है? आपने फरमाया ठीक है, जो सबसे बड़ा इतराज़ करने वाला है उस ताजिर को ले आओ, वो मेरे पास आ जाए, जो इनका बड़ा ताजिर है, बड़ा इंचार्ज है, उसको जुम्मा के दिन हजरत के कमरे में उनके घर ले आए। हजरत ने फरमाया तुम पहले चले जाओ, उस हुजूम के बीच में से गुजरो, पहले एक चक्कर लगा आओ, फिर मैं चेहरा आया करके जाऊंगा, लेकिन शर्त यह है ये मेरी पगड़ी पहन जाओ। उसकी टोपी उतरवा दी, अपनी पगड़ी पहना दी, उसे कहा अब जाओ। जैसे ही वो मजमे में घुसा, पगड़ी शाह अब्दुल अजीज की थी। असर होता है या नहीं होता मुबारक चीजों का, बाबरकत चीजों का? शाह अब्दुल अजीज मुहद्दस देहलवी की जब पगड़ी उसके सर पे आती है, वो पगड़ी पहन के चलता है, 10 कदम चलता है, बेहोश होके गिर जाता है। लोगों ने उठाया, वापस ले आए, उसको पानी छिड़का, होश में आया, फिर अल्लाहु अकबर कहा, बेहोश हो गया, फिर पानी छिड़का, जब बैठा लोग जमा हो गए, लोगों ने कहा बता तो सही तू डरा क्यों, तू बेहोश क्यों हुआ? उसने कहा रब्बे काबा की कसम, ये पगड़ी सर पे आते ही मुझे कितारों में खड़े लोग इंसान नहीं बल्कि जानवर नजर आ रहे थे। जो पैसे का हरीस है वो कुत्ते की शक्ल का था, जो बेहया वो खंजीर की शक्ल का था, जो डांस पार्टियों का शौकीन था वो बंदर की शक्ल का था, और जो बंदा शराब का रसिया था वो शराब वो भेड़िए की शक्ल में था। हर बंदा अपने गुनाहों की वजह से बातनी शक्लें तब्दील कर चुका था, और ये अल्लाह वालों को नजर आती हैं, हमें नजर लई पे आप जाते हैं नहीं जाते?
क्यों हाजी साहब, लई से गुजरते हैं ना हम, जरा लई में दाखिल होते हैं तो बदबू आती है नहीं आती, लेकिन वहां अंदर भैंस नहलाने वाले को बदबू नहीं आती। क्यों? कि उसके अंदर वो रच बस गई है गुनाह, वो बदबू। और हमें इसलिए आती है कि अभी हम इस माहौल से निकले हैं, जैसे ही वहां घंटा गुजारेंगे फिर हमें ही बदबू महसूस नहीं होगी। सैयदना उस्मान बैठे हुए थे, एक आदमी आया मजलिस में बैठ गया। सैयदना उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, लोग जिना करते हैं और हमारी मजलिस में आ जाते हैं। तो एक सहाबी ने कहा, या रसूल, या उस्मान, क्या हजूर के बाद भी वही आती है, क्या आपको पता चल गया? कहा, नहीं, वही बंद है, लेकिन जब से वो आया है इस मजलिस में बदबू फैल गई है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को वजू करते हुए पानी के कतरे गिरते हुए गुनाह नजर आ जाते थे लोगों को। आप इसलिए किसी के सामने वजू नहीं करते थे ना उसका देखते थे वजू, लेकिन हम लई पे बैठे हुए हैं, हमारा घर भी लई बना हुआ है, हमारे कारोबार भी लई बने हुए हैं, हमारा खाना भी लई है, हमें स्मेल इसलिए नहीं आती कि यह हराम खाना है, यह हराम पैसा है, ये झूठ के साथ कमाया है, ये सूद के साथ कमाया है, ये जमीनें लोगों की कब्जा की हैं, ये हुकूमत में गलत तरीके से आकर हमने इक्तदार संभाला है, सारे लई पे बैठे हुए हैं। उस वक्त पता चलेगा जब रूह निकलेगी। और आखिरी बात, थक गए हैं ना आप, थके हैं या मैं थका हूं, हजूर रहमत हैं या नहीं, हम बचे हुए हैं किसकी वजह से? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की वजह से। और हजूर की रहमत हर जगह है, जहां देखेंगे आज कायनात के जर्रे जर्रे में नबी की रहमत छलकती है, झलकती है। आप देखिए, हजूर तो मंबा रहमत हैं। अल्लाह ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, मेरे पैगंबर, मैंने आलमीन का आपको रहमत बनाया। आपकी रहमत थी कि आपके हाथ पे हाथ रखने वाला पहला वो सहाबी अबू बकर सिद्दीक अकबर बन गया। वो रहमत थी नबी की, आपके कदमों में आने वाला उमर फारूक आजम बन गया। आपकी रहमत थी, आपके हाथ में हाथ रखने वाला सैयदना उस्मान जुन्नूरैन बन गया। आपकी रहमत थी कि आपके घर में पलने वाला एक बच्चा जब वो आपके हाथ पे हाथ रखता है शेरे खुदा बन जाता है। ये आपकी रहमत है। आपके दर पे उबई इब्ने काब आते हैं, वो उम्मत के कारी बन जाते हैं। ये आपकी रहमत है। आपके दर पे अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आते हैं, फकीह उम्मत बन जाते हैं। आपकी रहमत है। आपके दर पे अब्दुल्लाह इब्ने उमर आते हैं, मुहद्दिस उम्मत बन जाते हैं। आपकी रहमत है। अबू उबैदा आपके दर पे आते हैं, अमीनुल उम्मत बन जाते हैं। आपकी रहमत है। इब्ने अब्बास बच्चा आपके कदमों में आता है, वो मुफस्सरे उम्मत बन जाता है। आपकी रहमत है। एक 17 साल का बच्चा आपके कदमों में बैठता है, मुआज़ इब्ने जबल उसका नाम है, वो उम्मत का मुफ्ती बन जाता है। ये आपकी रहमत है। अबू मूसा अशारी एक आम कबीले का इंसान था, लेकिन जब आपके हाथों पे हाथ रखता है उसका कुरान सुनने के लिए फरिश्ते जमीन पे उतरना शुरू हो जाते हैं। यह आपकी रहमत है कि आपका नवासा जन्नत के नौजवानों का सरदार बन जाता है। यह आपकी रहमत है कि आपकी बीवी आयशा को अल्लाह का सलाम आता है। यह आपकी रहमत है कि आपके सहाबा को जन्नत की बशारत मिलती है। आपकी रहमत है। अल्लाह फरमाते हैं, कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, जिन्होंने आपको देखा, जिन्होंने आपके साथ खाना खाया, जिन्होंने आपके पीछे नमाजें पढ़ी, जिन्होंने आपके साथ जिहाद किया, जिन्होंने मेरे नबी आपके लिए कुर्बानियां दी, मैं अर्श पे ऐलान करता हूँ इनमें से एक भी दोजख में नहीं जाएगा, मैं सारों को जन्नत दूंगा। ये नबी की रहमत है कि हजूर की रहमत की वजह से अबू हनीफा उम्मत का इमाम बना। आपकी रहमत है। शाफी उम्मत के इमाम बने। आपकी रहमत है। मदीने की गलियों में जिस पे तशद्दुद हुआ वो मालिक इब्ने अनस जन्नतुल बकी में कब्र भी बनती है और उम्मत का इमाम बनता है। आपकी रहमत है। इमाम इब्ने अहमद बिन हम्बल 63 साल की उम्र में जेल में अजियत दी जाती है, मारा जाता है,
تشدد کیا جاتا ہے لیکن استقامت کے ساتھ نبی کے دین کے محافظ بنتے ہیں اور للکار کر کہتے ہیں اے معتصم باللہ، اے واثق باللہ، اے عباسیہ خلفاء، تم سارے کے سارے مل جاؤ، میں نبی کا غلام ہوں، عقیدہ اہل سنت نہیں چھوڑوں گا، نبی کی رحمت کا ظہور آپ کو نظر آئے گا۔ احمد بن حنبل کی قربانی میں نبی کی رحمت ہے، دمشق کی قلعہ سے، جیل سے ابن تیمیہ کا جنازہ نکلتا ہے، لیکن وہ عقیدہ اہل سنت نہیں چھوڑتے، عقیدہ اسلام نہیں چھوڑتے، نبی کی رحمت آپ کو بڑھتی نظر آئے گی۔ وہ جو بکریاں چرانے والے تھے زمانے کے امام بن گئے، اونٹ چرانے والے تھے زمانے کے امام بن گئے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والے تھے، نبی کی رحمت تھی کہ وہ اپنے لیے جو ایک دوسرے کی جان لیتے تھے ایک دوسرے پہ جان دینے والے بن گئے۔ وہ لوگ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، نبی کی رحمت تھی کہ وہ بچیوں کی پرورش کر کے دعائیں لینے والے بن گئے، یہ نبی کی رحمت ہے۔ آپ اس کے بعد دیکھیے کہ شاہ ولی اللہ نے بڑے صغیر میں پہلی تفسیر لکھی، شاہ عبدالعزیز نے پہلی تفسیر لکھی، شاہ عبدالقادر نے پہلی تفسیر لکھی، ایک ہی گھر کے لوگوں نے تفاسیر لکھ کر بتا دیا، یہ نبی کی رحمت ہے کہ اس کے بعد یہ خاندان ایسا قبول ہوا۔ چونکہ نبی کی رحمت بڑھتی چلی گئی، شاہ اسحاق تک پہنچی، شاہ اسحاق نے علم حدیث کو محفوظ کیا، برے صغیر میں اسلام کا قلعہ بنایا اور اپنے شاگرد تیار کیے، مولانا قاسم ننوتوی کو علم پڑھایا، مولانا رشید گنگوئی کو علم پڑھایا، یہ نبی کی رحمت تھی کہ ان سے علم پڑھنے والے نے مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی اور ایسا مدرسہ بنایا کہ آج کریا کریا، بستی بستی، جزیروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، رشیا کے ملکوں میں، آپ کو افریقہ کے ملکوں میں، آپ کو امریکہ کی ریاستوں میں، آپ کو یورپ کے اندر ایک ایک جگہ پر دیوبند کا فاضل ملے گا۔ یہ نبی کی رحمت ہے کہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے فتنہ قادیانیت کے خلاف میدان میں نکلے، آپ کی تقاریر ہوتی تھی، رات بیت جاتی تھی، نبی کا ذکر ہوتا تھا، نبی کی شان بیان ہوتی تھی، نبی کی رحمت کا ظہور ہوتا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے کی قبر کو آج بھی اللہ نے کیسے بتایا کہ ان کے بیٹے کی قبر آج شک ہوتی ہے، 26 سال کے بعد جسم محفوظ ہے، یہ بتایا نبی کی رحمت ہے کہ انور شاہ محدث دیوبند بنتا ہے، بخاری اور سیاہ ستہ کا حافظ بنتے ہیں، نبی کی رحمت ہے شیخ الہند محمود الحسن بنتے ہیں، نبی کی رحمت ہے کہ مولانا تھانوی کتب لکھتے ہیں، اور نبی کی رحمت ہے علماء میدان میں نکلتے ہیں، تحریک ختم نبوت ہو، پاکستان کی تحریک ہو، یہاں تک کہ پاکستان مرز وجود میں آتا ہے، اسلام کے نام پہ آتا ہے، اسلام کا قلعہ بنتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں سارے علماء، سارے مشائخ، ساری عوام کہ پاکستان نبی کی رحمت ہے۔ اور آپ دیکھیے صحابہ کا دفاع ہوتا ہے، حق نواز جنگوی میدان میں نکلتا ہے، اس کے ساتھ دیگر لوگ قربانیاں دیتے ہیں، شہادت ہمیں پسند ہے، شہید ہونے سے ڈر کسی مسلمان کو نہیں لگتا، یہ سارا کیا ہے؟ کسی نبی کے لیے اتنے جان دینے والے نہیں، کسی نبی کے مشن پر اتنے قربان ہونے والے نہیں، کتنے نبی کا نام، کسی نبی کا نام لینے والے اتنے زیادہ نہیں، یہ اتنے زیادہ حضور کے محب کیوں ہیں؟ حضور کا نام لینے والے کیوں ہیں؟ حضور پر جان دینے والے کیوں ہیں؟ بلکہ حضور کے غلاموں میں بھی جان دینے والے ہیں، یہ صرف نبی کی رحمت ہے۔ حضور روزے میں ہیں، ہماری سنتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہمارا سلام پہنچ جاتا ہے، یہ نبی کی رحمت ہے کہ حضور اٹھیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، وہاں بھی نبی کی رحمت ہوگی، جامع کوثر پہنائیں گے، پہلائیں گے، وہ بھی نبی کی رحمت ہوگی، جنت کا دروازہ کھلے گا اور حضور ہم سب کو جنت میں لے کر جائیں گے، یہ بھی نبی کی رحمت ہوگی۔ تو یہ جو ہے نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس کا وظیفہ بتا دوں، آیت آتی ہے سب کو، کتنی چھوٹی سی آیت ہے، وما ارسلناک الا، گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا، بہن بھائیوں میں، بچوں میں، بیوی میں، خاوند میں، نچاکی ہو بہت زیادہ، آپس میں پیار محبت نہ ہو، بزنس میں ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز میں ہو جاتا ہے، تو آپ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، اللہ ایسے شیر و شکر کر دے گا، پیار والا کر دے گا، جیسا نبی سے ہم راضی ہیں، پیار ہے ہمیں نبی سے، نبی کو ہم سے پیار ہے۔ کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مجھ سے حضور پیار نہیں کرتے،
یا میں حضور سے پیار نہیں کرتا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے ہم سے زیادہ نبی ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم نبی پہ جان دیتے ہیں. اب یہ آیت کریمہ ہمیں گھر میں، رشتوں میں، آپس میں پیار محبت میں ڈال دے گی، مضبوط کر دے گی. جب آپ دیکھیں کوئی آپ کی طرف آپ سے محبت نہیں کرتا، نفرت ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، نااتفاقیاں ہیں، تو آپ یہ آیت کریمہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آپ اس کو 100 بار پڑھ کے دعا کریں اور کھانے پینے پہ کھلا پلا دیں تو بہتر ہے، ورنہ غائب کے لیے دعا کریں. 7 دن یہ عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جانی دشمن کو بھی آپ کے سامنے ٹھنڈا کر دے، آپ کے پیچھے بدگوئی کرنے والے کی زبان بھی آپ کی محبت میں ڈال دے گا اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں کا محبوب بنا دے گا. آپ کسی مجلس میں جائیں، اب آپ نے میٹنگ کرنی ہے، کسی بزنس کی ڈیل کرنی ہے، یا آپ نے انٹرویو دینا ہے، یا ویسے جا کے کسی جگہ کوئی بات چیت کرنی ہے، آپ 3 بار پڑھ کے سینے میں پھونکیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پھونکے چلے جائیں. اس مجلس میں آپ ہی بولیں گے، باقی سارے سنیں گے، آپ کی شان ہوگی، آپ کی انشاءاللہ وہاں اللہ تعالیٰ عزت بڑھائے گا. اس عمل کو اپنا وظیفہ بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.